हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम अपनी ब्रेजा को लेकर जा रहे हैं रोड पे, और इसका टैंक टू टैंक हम एवरेज निकालेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि उनकी गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है सिटी पे, तो मैं ये वीडियो बिल्कुल ही ऑनेस्ट रखूंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा कट्स ना रहे वीडियो में। और अभी सीधा हम चलते हैं पेट्रोल पंप और वहाँ पर जाके फ्यूल अप कराएंगे, और उसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे वीडियो में कि कितना एवरेज हमारी गाड़ी निकालती है। फ्यूल अप कराते हैं, उसके बाद चलेंगे और देखेंगे कि वीडियो में आगे कितना एवरेज निकालती है गाड़ी। फ्यूल कर दो, ऑटो कट पे रोकना, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑटो कट पर 37.59 हो चुका है। अब इसको हल्का हल्का जाने दो, ऊपर तक चलाओ। चला, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। पेट्रोल पूरा ऊपर तक आ चुका है, देख सकते हैं इतना है। ये रीडिंग है 39.40। तो ट्रिप को जीरो मारेंगे और यहाँ पर अपनी गाड़ी की हवा चेक कराएंगे, क्योंकि उससे भी फ़र्क पड़ता है एवरेज पे। तो हवा चेक करा के फिर निकलते हैं और गाड़ी चलाएंगे। तो हवा चेक हो गई है और गाड़ी एक बार मैं आपको ऑडोमीटर की रीडिंग भी दिखा देता हूँ। 5145 हमारी गाड़ी टोटल चल चुकी है। और एसी को अब हम सेट कर लेते हैं 25 डिग्री पे और ऑटो पे कर देंगे इसको। तो अब चलते हैं, निकलते हैं और गाड़ी चलाते हैं। कोशिश करूंगा गाड़ी एकदम स्मूथली चलाऊं, क्योंकि उससे गाड़ी की एवरेज सही निकलती है, और बिल्कुल रियलिस्टिक रखूंगा, क्योंकि सिटी पे हम लोग जैसे चलाते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही चलाऊंगा। और ये वीडियो सिटी पे ही रहेगी अपनी, हाईवे पे लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हाईवे पे तो हर कोई वीडियो बना रहा है आजकल, बट सिटी में मेरे को देखना है कि कितना निकालती है। तो चलते हैं आगे, और गाड़ी अभी 500 मीटर चली है बस, तो धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा आपको कि कितनी जितनी चल गई है, और हिसाब से आगे बताऊँगा। जब गियर शिफ्टिंग मांगेगी तब गियर शिफ्ट करूँ, जब डाउन करना होगा तब डाउन करूँ। और एसी अपना चल रहा है, आप अभी देख सकते हैं। गाड़ी का एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको कि गाड़ी की सेकेंड सर्विस हो चुकी है और इसकी थर्ड सर्विस अभी नहीं हुई है, जो इंजन ऑयल वाली होती है। तो उससे भी गाड़ी का एवरेज थोड़ा इम्प्रूव होता है जब इंजन ऑयल चेंज हो जाता है। कुछ कुछ बंदे रिलेट कर पाओगे आप लोग के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आगे चलते हैं। सो गाड़ी अपनी 7.8 ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर चल चुकी है, और यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, उसका वेट करूँगा मैं, वो आएगा, वो हमको ज्वाइन करेगा, तो उसको पिक करके चलते हैं आगे। कंडीशन आप लोग देख सकते हो कैसी रोड पे चला रहा हूँ मैं गाड़ी अभी। यहाँ पर बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिला था मुझे। ले चलो निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, गाड़ी अपनी 13 किलोमीटर चल चुकी है ऑलमोस्ट, और अब बढ़िया क्रूजिंग का मौका मिल रहा है। 40-60 पे चल रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस अगर इसी स्पीड पे मेंटेन करेंगे तो गाड़ी की एवरेज सही निकल जाएगी, लेकिन कैसे मेंटेन करेंगे यहाँ पर देख रहे हो क्या हो गया। भाई काटा बन के जाओगे क्या? ट्रैफिक हो गया, या तो ट्रैफिक, यही है सिटी का मजा अपना। तो गाड़ी अपनी 14.2 किलोमीटर चल चुकी है और गाड़ी का एसी ऑन है, और बढ़िया अब क्रूज करने का मौका मिल रहा है, रोड थोड़ी खाली मिली है। और इसी के साथ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है और गाड़ी अपनी चल चुकी है 15 किलोमीटर। ऐसी सिचुएशन में फिर गाड़ी का एवरेज में डिफरेंस आएगा, बट मैं यही दिखाना चाहता हूँ आपको रियलिटी सिटी की कि गाड़ी का कितना एवरेज निकलता है। धीरे धीरे गाड़ी यहाँ से निकालेंगे और फिर आगे चल के आपको अपडेट देता हूँ मैं। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से निकले हम लोग, गाड़ी चल चुकी है 16 किलोमीटर और अब थोड़ी रोड फिर से खाली मिली है, तो कोशिश करेंगे कि एवरेज फिर से मेंटेन कर पाए। और हम दोबारा से क्रूजिंग कर रहे हैं गाइस। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में और इंडिया गेट का एक चक्कर मारेंगे। अबे तुझे पता है इंडिया गेट में क्या हो गया? नहीं, पुल खोद दिया बाबा। खोलो 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 खोलो। यहाँ से लेफ्ट लेके इंडिया गेट निकलते हैं और गाड़ी चलाएंगे। तो रोड ही बंद है, लेफ्ट ही लेना पड़ेगा। जाओ कैसे जाओगे सीधा? Oh my God.
नॉट आई फॉरगेट इट। ये देखो कैसे रॉन्ग साइड आ जाते हैं, इनसे बच के रहा करो भाई, बस देख रहे हो कैसे चल रहे हैं। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? गाड़ी आप देख सकते हो मैं 60 पे चला रहा हूँ, 60 पे पंजा दाब रखा है और चलते हैं आगे। तो गाड़ी अपनी चल चुकी है 19 किलोमीटर ऑलमोस्ट और इंडिया गेट के चक्कर मार रहे हैं हम लोग। कुछ ऐसी कंडीशन है अभी फिलहाल रोड की, ट्रैफिक ऐसा है। चिपका दे भाई चिपका दे। पूरी पिच गीली कर दी, जोर की लगी थी, आपको लगी तो नहीं? लगी तो नहीं। और हमारे राइट में इंडिया गेट आ चुका है, जो कि शायद दिखेगा या दिखेगा दिखेगा कैसे में दिखेगा नहीं दिखेगा दिखेगा भाई सामने से दिखेगा और सामने पुलिस वाले भी दिखेंगे। नीचे क्यों कर रहे हो? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखो ये इंडिया गेट पहुंच चुके हैं हम लोग, ऐसा दिखता है हमारा इंडिया गेट। गाड़ी 19 किलोमीटर चल चुकी है। तो गाड़ी अपनी चल चुकी है 23 किलोमीटर और हम लोग सीपी में चल रहे हैं। एक बार ट्रैफिक की कंडीशन दिखा दे भाई कैसा है अभी फिलहाल। गाड़ी एकदम मैं परफेक्ट चला रहा हूँ, जब गियर बोल रही है ऊपर कर रहा हूँ, जब गियर बोल रही है डाउन कर रहा हूँ। दिखाती भी है क्या? है? हाँ दिखाती है। अच्छा, उसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। देख लो एसी ऑन है, कहीं तुम बोलो एसी बंद कर देता है बीच में। तो यहाँ से निकल के अब कहीं और चलेंगे आगे। हमारे पास पैसे नहीं तो हम बंगला साहब जा रहे हैं लंगर खाने। सच्चाई बताना भाई आगे कहाँ जाएंगे? अरे यार सही कह रहा है। देखो गाइस सीपी बार बार से देख लो अंदर जाने की। जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब पार्टी होगी क्या यहाँ? कट कर देना। कट कर देना प्लीज। गाड़ी अपनी 28 किलोमीटर चल चुकी है और खाली रोड मिली हमें, यहाँ पर 60 पे क्रूज कर रहा हूँ मैं। चलते हैं गाड़ी को सी ऐसे स्पीड पे चलाते रहते हैं और फिर आगे देखते हैं। गाड़ी 5वें गियर में चल रही है अभी अपना बढ़िया, तो आगे चलते हैं। तो गाड़ी अपनी 40 किलोमीटर चल चुकी है और गाड़ी का एसी ऑन है एंड पेट्रोल पम्प से हम करीब 6-7 किलोमीटर ही और रह गए हैं। तो गाड़ी फ्यूल अप कराऊंगा मैं और फिर निकाल के देखते हैं अब कि कितना एवरेज गाड़ी ने निकाला है। कंडीशन मैंने आपको रोड की कट कर करके ऑलमोस्ट दिखाई दी है कि मैंने कैसी सिचुएशन में गाड़ी चलाई है। ट्रैफिक था, बम्पर टू बम्पर था और कुछ कुछ जगहों पे स्मूथ भी मिला था ट्रैफिक और क्रूज भी करा था मैंने थोड़ा बहुत। तो पूरी मैंने ये सिटी पे रखी है वीडियो, सो एंड में अब इसका रिजल्ट निकालते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि गाड़ी ने कितना एवरेज दिया है। फाइनली हम लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं जहां से फ्यूल अप कराया था। सेम उसी जगह पे चलेंगे जहां से सुबह फ्यूल अप कराया था और फिर जाके देखते हैं कि गाड़ी ने कितना तेल पिया है, क्या एवरेज निकली है। और गाड़ी अपनी चली है 46.6 किलोमीटर और इसका अगर मैं एवरेज देखूं, जो गाड़ी एवरेज दिखा रही है वो दिखा रही है 13.4। तो अब चल के वहां पर फ्यूल अप कराते हैं फिर से और उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूं कि गाड़ी ने कितना एवरेज दिया है। फ्यूल ऑटो कट तक भरवाते हैं, कर दो भैया स्टार्ट। ऑटो कट हो चुका है, अब हल्का फुल्का जाने दो जितना पहले लिया था। चलो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा।
देख सकते हो आप टंकी फुल हो गई है जैसे सुबह कराई थी, और गाड़ी में पेट्रोल आया है 2.51 लीटर्स। तो अब इसके एवरेज निकालेंगे हम लोग कैलकुलेट करके। थैंक यू भैया। गाड़ी अपनी चली थी 46.6 किलोमीटर, इसको मैं डिवाइड करूंगा जितनी पेट्रोल अभी इसमें आया है, जो कि है 2.51। तो भाई ये गाड़ी का एवरेज है, और जितने मेरे भाई हैं जो कहते हैं ब्रेजा एवरेज नहीं देती है, भाई आपके सामने है रिजल्ट, देख लो। और ये पूरा मैंने सिटी टू सिटी चलाई है गाड़ी, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई ये तो झूठी एवरेज है या कुछ। एसी ऑन था गाड़ी का और मैंने पूरी सिटी पे रन करी है। भाई ये वीडियो उन तक पहुंचा दो जो कहते हैं कि ब्रेजा एवरेज नहीं देती। अबे भाई ढंग से चलाओगे तो सब एवरेज देगी। अभी तो उसकी थर्ड सर्विस भी नहीं हुई है तब जाके इसने ये रिजल्ट दिया है। थर्ड सर्विस में इंजन ऑयल चेंज होता है तब इसकी ऑब्वियसली बात है और इम्प्रूव होगी इसकी एवरेज। और गाड़ी मैंने पूरी सिटी टू सिटी कंडीशन में चलाई है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एसी ऑन करके, तब जाके ये रिजल्ट दिया है। कुछ कहना है? अच्छा इंसान। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। वीडियो को शेयर करो और लाइक और कमेंट करके बताओ मुझे कि वीडियो कैसी लगी।